डन स्टेशन। अब तक की मीटिंग से मतलब जी चल रही है। बाजवा साहब ने भी कोई जवाब दिए आप लोगों के सवाल? जी बिल्कुल दिए। ये जगजैती है ना यार, सारी दो हाउसेज के लोग बैठे हुए हैं, 100 के करीब लोग हैं, इससे बड़ी जगजैती क्या होगी। चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, बड़े खारजा पॉलिसी में चैलेंजेस हैं, बॉर्डर्स में चैलेंजेस हैं, उन सब पर बात हुई है। ये हल का फोरम नहीं है, हकायक रखे गए हैं, सोच रखी गई है, ब्रीफ किया गया पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, वो उसके मुताबिक अपने राय देगी। प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने इसका इजलास का बाईकाट किया, तो आपकी तरफ से जा रहा हुकूमत आपकी या नून लीग की? बाईकाट उनको मैं दावत नहीं दी। आजम तो आ रहे थे, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन का पैगाम या स्पीकर साहब को कि अगर लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, वॉकआउट की जरूरत नहीं, आप लोग अटेंड कर लें और मैं नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज़ाद के साथ मैं हूं शाहिद मितला। जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, अस्करी क़यादत की जानिब से सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी गई, अफगानिस्तान पर बात हुई, मकबूजा कश्मीर पर बात हुई, खारजा पॉलिसी और जो अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को उस पर बात हुई। इस ब्रीफिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से इसको सराहा गया है, दो अपोजिशन काफी अरसे से मुतालबा भी कर रही थी कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग का एहतमाम किया जाना चाहिए, ताकि जो आर्मी के लोग हैं या DGISI हैं वो आकर ब्रीफिंग दें और मौजूदा सूरत हाल से आगाह करें कि अफगानिस्तान की एक्चुअल सूरत हाल है क्या, उस पर बात की गई है। ज्यादा फोकस अफगानिस्तान पर ही था। अब इस ब्रीफिंग में DGISI की जानिब से बताया गया है कि अगर खाना जंगी होती है वहां अफगानिस्तान में, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्स होगा मुहाजरीन का जो पाकिस्तान की जानिब रूट करेगा, और वो उस सूरत में हो सकता है जब तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेंगे। ये भी बताया गया कि अस्करी क़यादत की जानिब से कि सियासी क़यादत हमें बताए और पॉलिसी बनाकर दे कि अगर तालिबान की जानिब से काबुल पर कब्जा हो जाता है तो क्या इस्लामाबाद उसको कबूल करेगा, उस कब्जे को कबूल करेगा। इस बारे में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की पोजिशन कुछ दिन पहले ही वाजे कर दी थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कभी भी काबुल पर तालिबान का कब्जा कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब यह भी बात की जा रही है कि अफगान अमन के हवाले से पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन अफगान क़यादत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तानी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अपनी तमाम नाकामियों का मलबा पाकिस्तानी क़यादत पर डाला जा रहा है। DGISI ने यह भी बात की कि मुज़ाकरात हम ही ने करवाए, तालिबान को अफगान फ्रीकैन के साथ भी और इसके अलावा अमरीका के साथ भी बिठाने में पाकिस्तान का एक अहम किरदार है, बहुत मुआविन किरदार पाकिस्तान ने हर हवाले से अदा किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इल्जाम का सामना करना पड़ रहा है। एक और भी बहुत उन्होंने अहम बात की इस ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा कि जो अफगान तालिबान है अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनकी लीवरेज लीवरेज जो है वो खासी, हमारी जो पाकिस्तान की लीवरेज है वो खासी कॉम्प्रोमाइज हुई है, खासतौर पर जैसे जैसे अफगान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों पर, अजला पर, वैसे वैसे हमारी गिरफ्त उन पर कमजोर होती जा रही है। उन्होंने एक मौका पर यह भी बात की कि TTP और अफगान तालिबान एक ही हैं, दोनों एक दूसरे का असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत आम बात है। अगर ऐसी बात है तो अफगान तालिबान अगर अफगानिस्तान में आते हैं तो उसका लामहल्ला तौर पर असर पाकिस्तान में भी होगा और खास तौर पर सरहदी इलाके में भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चीन और अमेरिका के हवाले से भी इस ब्रीफिंग में बात की गई और यह कहा गया कि पाकिस्तान को चीन या अमेरिका में से किसी एक मुल्क को चूज करना पड़ेगा, चूंकि अमेरिका की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि CPAC को रोल बैक किया जाए और इसके अलावा अमेरिका अड्डे भी मांग रहा है। फिर यह भी बात आई इजराइल के हवाले से कि शायद अभी तक अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे हैं, तो सूरत हाल असल में है क्या, इस बारे में बात करेंगे। दूसरा एक और भी तनाजा खड़ा हुआ है इस सारे हवाले से, ब्रीफिंग के हवाले से, कि वजीर आजम ने शिरकत करना थी लेकिन यह बताया गया फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि वजीर आजम ने इसलिए शिरकत नहीं की चूंकि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से स्पीकर सेक्रेटेरिएट को यह बताया गया था कि अगर वजीर आजम शिरकत करेंगे इजलास पे तो वो फिर शिरकत पर रिव्यू करेंगे, वो शायद शिरकत ना करें, इस तरह के तहफ़ुज़ात के बारे में आगाह किया गया था स्पीकर सेक्रेटेरिएट को और इस हवाले से उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मीटिंग में जब ये बात पूछी कि वजीर आजम नजर नहीं आ रहे हैं, तो उनको स्पीकर असद कैसर साहब ने बताया कि आप ये बात अपोजिशन लीडर से पूछें। और ये भी कोट किया जा रहा है, फहद हुसैन साहब का आर्टिकल भी आया है कि आर्मी चीफ ने भी जवाब दिया कि वजीर आजम को यह कन्वे किया गया था कि अगर वो आएंगे तो अपोजिशन के उस पर तहफ्फुज़ात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर ये भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज कोट किया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आर्मी चीफ को कहा गया कि आपने अमरीका को अड्डे ना देने का जो फैसला किया है इससे आपने कौम के दिल जीत लिए हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने आगे से कहा यह मेरा फैसला नहीं, ये वजीर आजम का और हुकूमत का फैसला है। इससे पहले जब उनसे जब ब्रीफिंग में आ रहे थे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अमरीका को अड्डे दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए, ये हुकूमत को पूछने का सवाल है, लेकिन अमरीका को हम अड्डे नहीं दे रहे हैं। इन तमाम इशूज पर, इन तमाम नकात पर बात करेंगे और क्या क्या बातें हुई हैं इस पर भी बात होगी। आज हमारे साथ राना तनवीर हुसैन साहब मरकजी दान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कमेटी का हिस्सा भी थे, कादर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर दान में वो भी हमारे साथ हैं, फैजुल्लाह कमोका साहब पीटीआई के सीनियर दानमा और कामा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन हैं, और अनवारुल हक काकड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं और बाप के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले राना तनवीर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, इस मीटिंग के टेकआउट्स क्या लेंगे कि अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू होने जा रही है और तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं रहे? देखिए एक तो मैं बताऊं कि जो तालिबान की जनरली जो पोजीशन है वो नहीं है जो उस वक्त थी, इससे पहले जब रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी तो उस वक्त जिस तरह तालिबान का सारा सिलसिला था या उसके बाद होता रहा, अब वो पहले से शायद उनकी पोजीशन इतनी उसमें मिलिटेंसी या रिजिडनेस नहीं है जो असेसमेंट है, तो वो एक अलहदा इशू है कि भाई इस चीज़ को मद्देनजर इस चीज़ को जो ये उनकी नई डेवलपमेंट है उनकी सोच में उसको किस तरह हैंडल किया करना है। तो दूसरा खाना जंगी नेचुरली जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे हथियार तकसीम किए जा रहे हैं, जिस तरह खबरें अखबारों में आ रही हैं, तो खाना जंगी इनएविटेबल है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना है कि जो पिछली तरह रिफ्यूजीज आए थे वो जो इनफ्लेक्स जो इस दफा होगा उसको शायद हम उस तरह केटर ना कर सकें, और हमें करना भी नहीं चाहिए, जो मेरी अपनी जाती राय है, क्योंकि जो हम पे बर्डन होता है जिस जो से कुछ कबातें पैदा होती हैं रिफ्यूजी की इधर रहने भी, वो कैंप्स में नहीं रहते, वो फिर सारे पाकिस्तान में फैल जाते हैं, जायदादें भी बनाते हैं, शनाख्ती कार्ड भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में, अच्छा यहाँ बड़ा अहम सवाल है राना साहब, अभी शेख रशीद साहब का कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने ये एतराफ किया था कि तालिबान के जो घर हैं उनकी फैमिलीज जो हैं वो इस्लामाबाद के इतराफ में रह रही हैं, तो कमेटी में किसी ने इस बारे में नहीं पूछा कि अगर तालिबान पर हमारी गिरफ्त कमजोर हो रही है तो वो हमारे इस्लामाबाद के इतराफ में क्यों रह रहे हैं? फिर देखिए जब इस तरह के मामले हों तो उनको उठा के बंद करके, जो एक तो मैं बताऊं जिसको आप रिफ्यूजी का स्टेटस दे देते हैं ना उसको फिर जो यूएन का कन्वेंशन है उसके तहत आप पुश नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, धक्के दे के आप नहीं निकाल सकते, ये कन्वेंशन जो यूएन का है, तो उसके तहत जो रिफ्यूजी हमने डिक्लेयर किए हैं जिनको स्टेटस दे दिया रिफ्यूजी का तो उसको हम नहीं कर सकते। इसलिए इस दफा जो सोच चल रही है वो ये चल रही है कि अगर खुदा खासा पहले तो उनको रोका जाए, अगर कोई ऐसी बात हो तो उनको बॉर्डर की जिस तरह कुछ बॉर्डर्स पे है जिस तरह ईरान ने या दूसरे लोगों ने किया है तालिबान के साथ या उस रिफ्यूजीज के साथ, तो वही इनको कंटेन किया जाए बॉर्डर पे और उनको रिफ्यूजी डिक्लेयर ना किया जाए। तो मेरा लिए इस दफा ज्यादा सेंसिबल अप्रोच होगी, ज्यादा सेंसिबल फैसले होंगे। दाने साहब सब का इस बात पर इत्तेफाक था कि तालिबान वाकईतन पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, हमारी लीवरेज उन पर कम हुई है। नहीं, मेरा तालिबान कभी भी कंट्रोल में नहीं रहे, वो बड़े एक बहुत गहरे लोग हैं, और पीछे भी जो टीटीए है या टीटीपी है ये सारे
एक दूसरे पे जो भी अपना वो फेस रखें, लेकिन अंदर से उनकी अंडरस्टैंडिंग एक ही होती है और हमेशा वो फैसला वही करते हैं जो उनके अपने इंटरेस्ट में है। वो नहीं देखते हमारे साथ कौन अच्छा रहा है, कौन दोस्त रहा है, किसने में इतना केटर किया है, किसने लुक आफ्टर किया है, वो सारी बातें उनसे करती रहे, क्योंकि ये मेरे अपने क्यों गवर्नमेंट हमारी भी उसमें हमें पता चलता था। तो फाइनली वो फैसला वही करते हैं जो उनके अपने हक में होता है, इसलिए उनसे तवक्को रखनी कि कोई ऐसी चीज मान जाएंगे जो वो समझेंगे ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ना सोचनी चाहिए ना वो सोच रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हाँ एक इशू है कि उनको अगर वो टेक ओवर कर लेते हैं तो उनको क्या, पहले तो हमने उनको मान लिया था उसी वक्त, हमने उनको तस्लीम कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया उनको, उनका स्टेटस के ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट। और ये भी कंसेंसस डेवलप हुआ है कि तालिबान अगर काबुल पर कब्जा करते हैं तो पाकिस्तान उनको कबूल नहीं करेगा। नहीं, अगर वो लिजिटिमेट उनको कवर मिल जाता है, वो लोगों की सपोर्ट से आते हैं, लोगों से मुराद के कोई इलेक्शन होता है, कोई ऐसा रेफरेंडम होता है जिसको एक लीगल कवर हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हो, एक मोरालिटी हो पीछे उसके, तो फिर तो उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही थ्रू मिलिटेंसी कब्जा करें तो फिर मेरा उनको नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये अप्रोच मेरा बड़ी करेक्ट अप्रोच है। बिल्कुल सही है। अच्छा राणा साहब, ब्रीफली ये बता दीजिए कि वजीर आजम की शिरकत के हवाले से आपने तहफ़ुज़ात स्पीकर ऑफिस को कन्वे किए थे। इसमें मैं शाह साहब बिल्कुल बड़ा वाजिया आपको कर दूं, ये थोड़ा सा इन्होंने इसको इशू बनाया है, लेकिन बजाय इसके इसको मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो ये है कि जब इंडिया ने हम पे एक एपिसोड हुआ, जब फरवरी में जब उनका जहाज भी मार कराया था, आपको अभिनंदन का भी एक आपको याद होगा जी जी जी, उस वक्त इतना स्टैंड ऑफ था कि वो किसी वक्त भी जंग, बड़ी जंग हो सकती थी। लेकिन उस वक्त भी जब नेशनल सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग हुई तो घंटा एक पूरा प्राइम मिनिस्टर का इंतजार करते रहे, सारे बैठे, जरदारी साहब भी शायद उस वक्त थे, शबाज साहब थे सारे, फाइनली चीफ भी, जो मेरी इतला चीफ भी उधर बैठे रहे, उनको कहते रहे आप चलें, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर स्पीकर और चेयरमैन आए तो उन्होंने सदारत की उस कमेटी की और वहां पे ब्रीफिंग हुई, इतने सेंसिटिव। बाकी जो एक दो हमारी मीटिंग हुई, मैं मेरी जरा सुन, ये बड़ा अहम इशू है क्योंकि आजकल ये चल रहा है और ये सारा मलबा हम पे डाल रहे हैं। तो कोविड की हुई, अपनी तकरीर की, बिलावल साहब उधर थे, शबाज साहब थे और उठकर चले गए। तो इस दफा भी यही हुआ है कि कोई ऐसा कोई कंक्रीट टर्म में कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई, ना उनको कन्वे किया गया। प्राइम मिनिस्टर की एंगेजमेंट थी, पहली एंगेजमेंट थी उनकी, आप उनका शेड्यूल देख लें, हफ्ते पहले तय था सारा कुछ। तो मीटिंग में पहली मीटिंग के नोटिस इशू हो चुका था, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ही नहीं आना चाहते, खुद ही लेकिन लास्ट, बिल्कुल ठीक है, मैं राणा साहब दोबारा लास्टली शायद मेरी बात सुन लें जी। अभी एक क्योंकि इनकंक्लूसिव ये मीटिंग हुई है, ब्रीफ दूसरे इशू पे ही होनी है, अभी तो अफगानिस्तान का मसला उन्होंने ब्रीफ किया है, कश्मीर या इंडिया का और भी दो तीन इशू है, तो उसपे वो कहते हैं ईद के पहले रखेंगे हम मीटिंग, राइट। अगर वो ईद के पहले रखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उसमें आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कादर मंदोखेल साहब, आपके ख्याल में वजीर आजम क्यों नहीं आए कौमी सलामती के इजलास में? फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं कि चूंकि अपोजिशन के रहनुमा ने खुशामद करनी थी इसलिए उन्होंने एतराज किया वजीर आजम की शिरकत पर। मैं, मुझे बड़ा हैरत हो रही है कि एक ऐसे शख्स जो हुकूमत पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहा है वो इस तरह बेवकूफाना स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। और अगर इतनी इमरान खान साहब अपोजिशन से डरते हैं या इतनी अपोजिशन से खौफजदा या उनका सामना नहीं कर सकते हैं तो फिर ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मैं कौमी असम्बली के अगले इजलास में या किसी इजलास में ना है तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? कौमी सलामती का अफगानिस्तान का जो सूरत हाल है वो इंतहाई एक नाजुक मोड़ के ऊपर है और वो ये बाना बना के, और मैं कहता हूँ उनके कोई सर पैर नहीं है जिस तरह वो उन्होंने बयान किया, तो ये तो उन्हीं की तर्जमानों का एक सिलसिला है। इतनी अहम इजलास में जहाँ चारों सूबाई वज़रा आला मौजूद थे, जहाँ फोर्सेस के सरबराह मौजूद थे, जहाँ एक फैसला होना था, एक स्ट्रेटजी बनानी थी और उस हवाले से उन्होंने एक बाना बना ली, मैं कहता हूँ डरपोक आदमी है, वो किसी का सामना नहीं कर सकते। चलो इस चीज की मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ, तो क्या बजट इजलास में वो चुप के किसी चैम्बर में बैठ के और पांच मिनट पहले आया था अपनी भाषण सुना के चले गए, अपनी भाषण सुना के वो चले गए,
क्या ये यहाँ भी अच्छा यहाँ शहबाज शरीफ अगर मुतालबा करते या पीपल्स पार्टी मुतालबा करते क्या वो बजट इजलास या बजट खिताब में नहीं आते? ये ऐसे बेवकूफ बनाने वाली कहानियां हैं। ये शख्स जो है ना ये न किसी ओहदे के काबिल है, ना इसका कोई सेंस है, ना उसका कोई परवाह है। वो कहते हैं पश्तों में मिसाल है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाया जा, जिन्होंने उनको जानमाज पे खड़ा किए, अब उनसे पूछे कि अब नमाज भी तो सिखाओ ना, नमाज भी तो पढ़ाओ उसे इतने। और जहाँ बजट का इजलास था वहां ये तकरीर कर रहे हैं, अपोजिशन को दावत दे रहे हैं। भाई ये तो वो वाली बात हो गई। मंदोखेल साहब तालिबान करे जो ना वो शादी की मुबारकबाद दे रही है, बजट की बात करें जहाँ कौमी सलामती का इजलास। मंदोखेल साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और अगर तालिबान अफगानिस्तान पर और काबुल पर कब्जा करते हैं तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है जो आपने सलामती कमेटी के इजलास में रखा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर वो है, हम किसी ग्रुप का किसी विंग को किसी को हम सपोर्ट नहीं करें। हम ये चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि अगर वहां कोई जबरी तरीके से कोई हुकूमत आती है तो हुकूमत पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए, ना कि किसी पसंदीदा हुकूमत का। बाकी जो 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 अफगानिस्तान का हशर हुआ है, मैं नहीं समझ रहा हूँ पाकिस्तान माशी सूरतयाल है। अफगानिस्तान का पैसा इस वक्त यानी एक अफगानी 2.16 पैसे पाकिस्तानी है, तो इनकी मशियत तो हमसे अच्छी है। वो जो घर आएंगे वहाँ कभी नहीं आएंगे, वहाँ रोजगार भी है, वहाँ मशियत भी मुस्तकम है, वो कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल, दोबारा आता हूँ अनवारुल्लाह काकर साहब। अब ये बात की गई है और डीजी आईएसआई की तरफ से की गई है कबोका साहब के जो तालिबान है वो TTP जो पाकिस्तानी तालिबान है वो दोनों एक ही है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे खतरात हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस पे भाई मैं सबसे पहले तो मेरे से पहले हमारे बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं राणा तनवीर साहब, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, फिर मंदोखेल साहब ने बात की है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा अहाता जो उन्होंने गुफ्तगू की है उस हवाले से मैं अपनी पार्टी का कोई मौकिफ जो है वो पेश करूँ। इसमें मेरी हम्बल सबमिशन है, राणा साहब ने बड़ी बैलेंस और एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को जिस तरीके से ऐसे मौके पे रिएक्ट करना चाहिए या बिहेव करना चाहिए उन्होंने इसी तरीके से बिहेव किया है, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और देखें, जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, यानी आप कह लें कि पाकिस्तान, हमारी हर पार्टी का अपना एक इंटरेस्ट है, हमारा एक अपना जो है वो सिलसिला कार है, उसको लड़ाई को हमें अपने कौमी इंटरेस्ट के साथ जो है वो मदगम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर डीजी आईएसआई की जो स्टेटमेंट है उसकी रोशनी में देखा जाए तो इमरान खान साहब तो तालिबान को सपोर्ट करते रहे हैं, तो उनको तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो तो पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मनों को सपोर्ट करते रहे। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं पहले तो बात कर रहा हूँ, इस बात पे मैं बाद में आता हूँ, पहली बात ये है। फिर उसके बाद मंदोखेल साहब ने बात की है तो मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, ये जैसे ये मेरी लीडरशिप के बारे में बातें कर रहे हैं तो जबान मेरे मुंह में भी है, बातें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं इस तरीके से बात करूँ जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। जवाब दे दें सवाल का सर, जल्दी से। अच्छा, अगली बात ये है जो आप बात कर रहे हैं, जो खान साहब का आज से 20 साल पहले मौकिफ था, आज सारी दुनिया उस मौकिफ को मान रही है, ठीक है जी। और आज अमेरिका जो है वो यहाँ से मायूस होके वापस गया है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली और ये तारीख के औराक में लिखा जाएगा कि वो यहाँ से शिकस्त खा के यहाँ से वापस गए हैं। तो अब जो इसके आफ्टर इफेक्ट है, वहां पे जिस किस्म का सिनेरियो डिवेल्प हो रहा है, हमें बीइंग अ नेशन इसको एड्रेस करना चाहिए इस सारे मसले को, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो है वो जिस तरह से एक पहले मीटिंग हुई है, राणा तनवीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं भी ये चाहूंगा कि वजीर आजम साहब अगली मीटिंग में वो भी शरीक हों। तो वैसे क्यों नहीं शरीक हुए इसमें? जैसे पहले बात हुई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम था अपोजिशन की तरफ से, अब मैं चूंकि चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी ऐसी बात को हाईलाइट करूं या मैं मंदोखेल साहब की तरह ऐसी बातें करूं जिससे एक जो अच्छी फिजा है वो खराब हो।
लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि वजीर आजम की जानिब से तीन दिन पहले ही स्पीकर ऑफिस को कन्वे कर दिया गया था कि वजीर आजम इजलास में शरीक नहीं होंगे और अब सारी जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाल दी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खबरों को की मैं तब्दील या तस्दीक नहीं करता क्योंकि मैं कोई स्पीकर ऑफिस को तो अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आइंदा इंशाल्लाह ताला जिस भी फोरम के ऊपर होगा विद इन पार्टी भी हम इंशाल्लाह ताला वजीर आजम साहब को, हमारी पार्टी के हेड भी हैं और चूंकि जिम्मेदारी इस वक्त तहरीक इंसाफ बींग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे कंधों के ऊपर है, तो हम इंशाल्लाह ताला चाहेंगे के वजीर आजम साहब इसमें हों। राइट, एक छोटा सा इसी नोट पे ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। दाना तरवीज साहब, इजलास में ये बात नहीं हुई कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से पूछा गया कि वजीर आजम नहीं है तो स्पीकर ने कहा कि इस बात का आप अपोजिशन लीडर से पूछें, और फिर आर्मी चीफ साहब ने भी उस वक्त वहां पे लुकमा दिया है कि वजीर आजम को यह बताया गया था कि अपोजिशन के तहफात हैं अगर वजीर आजम शरीक होंगे तो। नहीं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन स्पीकर साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन की तरफ से कोई हमें कन्वे किया गया था कि उनके कुछ तहफात हैं, तो इस बात को मेरा ख्याल है आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया वो आना चाहते थे, या शायद किसी पीटीआई के भी रहनुमा ने कहा कि वो आना चाहते थे, लेकिन ये इस बात से जब उन्होंने कन्वे किया स्पीकर ने या कुछ ऐसी बात हुई तो उन्होंने इरादा बदल लिया। लेकिन फिर मैं कहूँगा शाह साहब ये बात नहीं है, जो मेरी अपना अंदाजा है बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वहां पर उनको कोई डर था कि जहाँ फौज भी बैठी हुई है उसके सरबराह है डीजीआई है वहां पे इमरान खान साहब को जो शाह महमूद साहब ने जवाब दिए हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर होते वो जवाब देते तो उनका ज्यादा मैं समझता हूं कि एक सेंक्टिटी या एक वो एक समझ लें कि एक सदका चीज है। जी बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर चले ठीक हो गया, ठीक है। मेरी बात सुन, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, वो शाह महमूद साहब सारे जवाब देते रहे क्योंकि काफी सारी चीजें हुकूमत के रिलेटेड थी। ठीक है कि उन्होंने डीजीआईएसआई ने सिचुएशन बताई, लेकिन आपको भी पता है कि उन्होंने जब बाहर निकले तो अंदर भी जब कोई बात हुई तो उन्होंने कहा इसका फैसला तो हुकूमत ने करना है, इसका फैसला तो हुकूमत वही जवाब दे सकती, तो ये बात ठीक थी। तो मैं समझा कि प्राइम मिनिस्टर होते और प्राइम मिनिस्टर ही जवाब देते। राइट, ठीक है। अच्छा राणा साहब, अली वजीर साहब के हवाले से भी बिलावल साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि उनको माफी दे दें, अब उनकी रिहाई हो जानी चाहिए, तो आर्मी चीफ ने कहा कि देखिए कि जाती अगर अशखास पर तनकीद होगी तो उसका हम बुरा नहीं बनाते लेकिन इदारे पर तनकीद हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने भी हम पर जाती तनकीद की, वो जो हमने बर्दाश्त कर ली लेकिन इदारे पर उनकी भी तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इन कैमरा मीटिंग थी, लेकिन आपके पास तो सारी खबरें पता नहीं किस तरह पहुंचती हैं या कौन देता है, आपके कोई बहुत सख्त जराए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बात उधर हुई थी, लेकिन मैं समझता हूं बिलावल साहब ने ये बात की थी, बिलावल साहब ने कुछ ज्यादा मेरा ओवर या किया या एक्सेस किया है, इतना ज्यादा एक बात कर दी मेरा ख्याल है उसको बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा उन्होंने कहा बिलावल साहब ने इमोशनली के जाने दें, लेकिन वो एक दो दफा कह देते जो उनका लेवल है बिलावल साहब का बहुत तो बिलावल साहब ने इंसिस्ट किया उस बात पर, इंसिस्ट भी किया और बहुत ज्यादा किया, तो मेरे हाले मेरे मुताबिक वो शायद जो क्या वो आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ इरिटेट हो गए, आर्मी चीफ जाने से इरिटेट हो गए मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही हाँ। तो इसलिए उनको नवाज शरीफ का नाम लेना पड़ा, इमोशनल जरूर थे क्योंकि एक अदारे का मसला था, तो उन्होंने कहा कि देखे कोई जात मेरी हो तो कोई नहीं 10,000 दफा गाली निकालते भी हैं आप, तो लेकिन अदारे की बात होगी तो अदारे
कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ की दफा तो कहा गया था कि आप नाम लेकर तनकीद ना करें, ये नामुनासिब बात है। नवाज शरीफ साहब को लंदन में भी ये कन्वे किया गया था, तो अब उन्होंने इस मीटिंग में कहा है कि नवाज शरीफ भी इदारे पर अगर तनकीद करेंगे तो बर्दाश्त करेंगे। नहीं, मियां साहब ने भी ये कहा था कि जहां तक इदारे की बात है, हम उनकी कुर्बानियों को, उनके प्रोफेशन को, उनकी कमिटमेंट को सलाम पेश करते हैं, हम इदारे के साथ हैं। और नवाज शरीफ के हवाले से क्या बात हुई कि उनकी तनकीद भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी जी, कि नवाज शरीफ की जानिब से भी तनकीद फौज पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी? नहीं, ये बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे इज्जत पर की है तो मुझे उससे इतनी तकलीफ नहीं जितनी मुझे अदारे की बात करने से तकलीफ है, और मैं समझ अदारे के मुतालिक हमें भी थोड़ा सा मुताहत रहना बिल्कुल चाहिए। सही है। जिस तरह भी है, जिस तरह भी है, ये एक ऐसा अदारा है जैसे हमारी जो हमारी सिचुएशन है इंडिया की या वेस्टर्न बॉर्डर की, जो इंडिया की दुश्मन है, उसमें मेरे ख्याल से अदारे की एक कुर्बानियां हैं। और इनके साथ कोई डायलॉग किया जाए और इनको सियासी धारे में वापस लाया जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। देखना, ये से डायलॉग तो हर वक्त होने चाहिए, और डायलॉग किसने करने है? हुकूमत ने करने है। देखे, फौज का तो एक अपना आर्म फोर्सेस का काम है, जो फौज कहती है, जो वो कहते हैं वो उस पर अमल करते हैं, जो फिजिकली काम करते हैं, ये सारे जो पॉलिटिकल काम है वो तो गवर्नमेंट ने करने, वो एंगेज करें उनको, एंगेज करना चाहिए। उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनके ग्रीवेंसेस दूर होने चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है, टाइम है दादा साहब, ब्रीफ सा कमेंट करें कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि आर्मी चीफ साहब, आपने अमरीका को अड्डे ना देकर कौम के दिल जीत लिए हैं, और आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, ये मेरा फैसला नहीं, ये वजीर आजम और हुकूमत का फैसला है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ना मैंने सुनी है ये बात, और ना मेरा ख्याल वहां हुई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बंदो खैर साहब, पाकिस्तान को अमेरिका को अड्डे नहीं देने चाहिए, लेकिन मीटिंग में तो ये इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं है। कादिर बंदो खैर साहब, आप हमारे साथ हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे नहीं है और हुकूमत बहुत ज्यादा शोर मचा रही है और एप्रिसिएशन समेट रही है कि हमने अमेरिका को इनकार कर दिया है। अच्छा, शायद उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। फैजुल्ला का मौका साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे हैं? देखिए, मैं कोई इस पोजीशन में नहीं हूं वेरी फ्रेंकली, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो फाइनेंस रिलेटेड है। मैं कैमा कमेटी बरए खजाना को हेड कर रहा हूं, तो इसका बेहतर जवाब तो जो फॉरन ऑफिस है या इससे रिलेटेड जो हमारे इदारे हैं वो बेहतर बता सकते हैं, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जो मीडिया के ऊपर जहां पे भी वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से सवाल किया गया है इस हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े लफ्जों में ये कहा है कि जो है हम किसी सूरत भी किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और इसी का इजहार उन्होंने जो उनकी एक तारीखी तकरीर है जो इस बजट के आखिर पे उन्होंने की है, और जिसको पूरे साहब ऐसे जनरल मुशर्रफ ने भी इनकार किया था, जनरल मुशर्रफ ने भी ये बात की थी कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, और फिर 2-3 साल बाद जाके पता चला था कि अमेरिका तो पाकिस्तान के अड्डे यूज कर रहे हैं, बल्कि शमसी एयरबेस का तो कोई 8-10 साल बाद जाके पता चला था कि शमसी एयरबेस अमरीका इस्तेमाल कर रहा है। मेरे भाई, मफरूजों के ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते। एक मुल्क का वजीर आजम, पहले कभी किसी ने, उन्होंने जब वजीर आजम साहब ने वहां तकरीर की है असेंबली में, तो उन्होंने ड्रोन हमलों के हवाले से भी बताया कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुकूमतें जब ड्रोन हमले होते रहे तो वो कहती रही कि उसकी मजम्मत भी करती थी, और जब वहां पे उनकी जो अमेरिकन सेनेट में जब इसके ऊपर बात हुई तो खुल के इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की राय इसमें शामिल थी। तो ये तो एक जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम ने बयान दिया है,
और इंटरव्यूज में भी कहा है, मीडिया के ऊपर भी कहा है, और इसकी तस्दीक जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस मीटिंग में भी कर दी। और उन्होंने ये कहा है कि अड्डे नहीं देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे और हमने इनकार कर दिया, ये बात नहीं। मैंने आपको ये पहले कहा है कि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है कि अड्डे मांगे गए हैं या नहीं। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेने थे और आपकी आवाज भी खासी लाउड आ रही है, इसको भी फिक्स करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कादर बंदोखेल साहब, हुकूमत से, पाकिस्तान से किसी ने अड्डे मांगे नहीं है, अमेरिका ने अड्डे मांगे नहीं है, लेकिन हुकूमत एप्रिसिएशन ऐसे ही समेट रही है इनकार करके। मैं क्या कह लूँ, पीटीआई के दोस्त नाराज हो जाते हैं कि मैं सब गुफ्तगु करता हूँ। भाई अगर अड्डे नहीं मांगे है तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्यों ये बयान दिए कि बाकायदा नहीं मांगे कि, तो बाकायदा और मांगने में क्या फर्क होता है, जरा मुझे ये उर्दू भी समझा दे। फिर ये सवाल क्यों आया जब वो अमेरिकन टीवी ने वजीर आजम साहब से इंटरव्यू लिया तो उस वक्त क्यों आया? तो कहते हैं ना कि जहां धुआं होता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है। तो अब सवाल ये है कि अगर नहीं मांगे तो अच्छी बात है, बयाना तो अपोजिशन तो नहीं दे रही है, हुकूमत ही दे रही है, खुद ही दे रही है, खुद ही तब्दील कर रही है। और फिर बात ये, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अब जिस सलामती कमेटी का जो इजलास हो रहा था और मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद नहीं होता है, तो मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि फिर क्यों उस चीज को इतना सीरियस नहीं ली जा रहा है। पीटीआई के दोस्त कभी क्या बहाने बनाते हैं, फवाद चौधरी साहब तो वैसे ही आपको पता है कि वो किस तरह तर्जमानी कर रहा है। तो मैं समझ ये चीज नहीं आ रही है कि आप सबसे बढ़कर ये कि इतने अहम मौजूद के ऊपर, इतनी अहम बात के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव को होना चाहिए। भले अपोजिशन वाले क्यों करेंगे, असेंबली में इजलास से उन्होंने खिताब किया तो हमने तो किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, स्मूथली उनको खिताब उसने कर दिए, थोड़ी तल्ख बातें भी कर दी है, उसके बावजूद हमने बर्दाश्त किए। तो क्या सलामती कमेटी में जब इजलास हो रहा था तो उसमें कोई उनको बुरा भला कहता? अगर बुरा भला हुआ तो कह नहीं सकता था, अगर बोला कहता तब भी वो सुन लेता और कर लेता। बिल्कुल ठीक हो गया बंदोखेल साहब। बात आ रही है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अली वजीर साहब के मामले पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, जिसकी वजह से टू सम एक्सटेंट आर्मी चीफ इरिटेट हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये रियासती इदारे पर तनकीद अगर कोई करेगा तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो बिलावल भुट्टो साहब ने इतना इंसिस्ट क्यों किया, उनका ये स्ट्रेचर नहीं था? अब जो कमेटी के जो बंद कमरे में इजलास हो रहा था उनके उधर गुफ्तगु भी आप ही मुझे बता रहे हो, तो जवाब हम मुझसे मांग रहे हैं, तो भैया ना आप मौजूद थे ना मैं मौजूद था, तो सवाल आप कैसे कर रहे हो, जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? बात ये होता ना अली वजीर का जो भी जो उसकी जो एक एक्ट है उसका बकायदा केस चल रहा है, इस वक्त वो पाबंद सलासल है, उसका केस चल रहा है, जो भी अदालतें उसके फैसला करेगी। लेकिन बहसियत मेंबर कौमी असम्बली या बहसियत एक पार्टी का या एक ग्रुप की वो तर्जमानी करने के लिए तो मेरे ख्याल में कोई आर्ज नहीं, तो उसको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर किसी ने मना किया है तो बिल्कुल ठीक, बुरा नहीं माना चाहिए, मैं ये भी बात कर रहा हूँ। राइट, कमोका साहब ब्रीफ सा कमेंट करें कि पीटीएम को एंगेज करने के हवाले से कमेटी पे बात हुई है, तो हुकूमत एंगेज करने जा रही है पीटीएम को? देखिए पार्टी के किसी फोरम पे भी इस पे बात नहीं हुई और मैं अपनी जाती राय आपको जरूर दे दूंगा इसके ऊपर। मेरे ख्याल में जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं हमारे मुल्क के अंदर, अगर वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट के अंदर रहते हुए एक्ट करें तो हमें सबको जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस हक में हूँ, अगर वो जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को वायलेट ना करें तो बिल्कुल उनसे बात। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे हैं और अगर नहीं मांगे तो हुकूमत ने शोर किस बात का मचाया हुआ है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो बात है कि अमेरिका की यहाँ पे अड्डे लेना उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अफगानिस्तान के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनको अड्डे चाहिए यहाँ इस रीजन में अपनी विजिबिलिटी, एक प्रेजेंस रखने के लिए। ये दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस एंगल से वो जरूर चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई यहाँ पे स्पेस मिले जिसकी हमारी प्रेजेंस, क्योंकि ये स्ट्रेटजिकली ये बहुत ही अहम है, पाकिस्तान, चाइना है, हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, तो इस जगह पे उनकी प्रेजेंस वो रखना चाहते हैं। उसकी रेलिवेंसी अड्डों की इस अफगानिस्तान के इशू से नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जरूर ये बात की है, अगर नहीं दिए
तो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच भी की और ये कंसेंसस भी हुआ कमेटी में कि हमें अमरीका को अड्डे नहीं देने चाहिए। अंदोखेल साहब ने जो बात की वो बड़ी काम की बात है कि अगर अड्डे उन्होंने नहीं मांगे तो शोर शराबा वाह वेला रात दिन कि हम अड्डे नहीं देंगे, हम अड्डे नहीं देंगे, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे इनके स्पोक्स पर्सन हो, चाहे तर्जमान साहब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर खुद अच्छी स्पीच उन्होंने की। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आखिरी कमेंट कर दें, शो का वक्त हो रहा है कि चीन और अमेरिका में से किसी एक मुल्क को पाकिस्तान को चूज करना पड़ेगा, ये बात हुई है? नहीं, ये मेरी बात सुने, चाइना बहुत ज्यादा कहते हैं ना हमारी फ्रेंडशिप है हायर देन हमारी डीपर देन सी और अब तो स्वीटर देन हनी, ये सारी। लेकिन ये इजलास में फैसला हुआ कि हमें चीन के साथ ही जाना चाहिए, अमेरिका के साथ नहीं। चाइना मेरी बात सुने, मुश्किल वक्त में साथी है और अमेरिका भी इम्पोर्टेंट एक मुल्क है, हमें एंगेज रखना चाहिए। इजलास में फैसला हुआ कि चीन के साथ जाना चाहिए? नहीं, एक के साथ तो देखे ना, ये तो नहीं होता कि इधर चले जाए या इधर चले जाए। क्या ये बात हुई है किसी जगह अमेरिका की डिमांड है या चाइना की डिमांड है? हमारे अपने तलकात हैं, हमें दोनों के साथ। लेकिन अमेरिका सीपैक रोल बैक करने की बात कर रहा है, मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान से? मुतालबा तो मेरे हाल है, मुझे नहीं पता, ये गवर्नमेंट वाले बता सकते हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश जरूर है। बिल्कुल सही, ये रोल बैक हो या स्लो हो। बिल्कुल सही, ये तो राणा तनवीर हुसैन था, फैजुल्ला कमोका साहब, कादर बंदोखेल साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।